फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। सबसे पहले आप सभी से माफी मांगना चाहता हूं, जो मैंने भरत फिल्म का जो ट्रेलर है फटाफट रिव्यू किया था, वो क्विक रिव्यू के तौर पर मैंने 1.5 मिनट का बस ऐसा बना दिया था जो मुझे बेसिक सा लगा था। लेकिन इस रिव्यू में मैं डिटेल्ड रिव्यू करने वाला हूं भरत फिल्म का, और साथ ही इस फिल्म का लाइफ टाइम प्रेडिक्शन ट्रेलर देखने के बाद मेरा क्या है वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं इस ट्रेलर से जुड़ी हुई, इस फिल्म को लेकर क्या मेरी उम्मीदें हैं और ये फिल्म कितना बढ़िया लगी है, इसका ट्रेलर। सबसे पहले बात बता दूं, मुझसे करीबन 5 से 6 महीने से यही पूछा जा रहा है कि सूर्या भाई भारत का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा, फिल्म कितना कमा सकती है। बहरहाल ये कोई पैनिक तो नहीं कर सकता है, बट यस, कोशिश जरूर मैं कभी कभी करता हूँ, स्पेशली ट्रेलर आने के बाद। उसकी तरह से इसका भी ट्रेलर मैं देखा हूँ, और एक दफा नहीं देखा है मैंने, 4-5 दफा देखा हूँ दोपहर से जब से आया है। 5 से 4-5 दफा तो देखा हूँ ध्यान से। और जब आप ट्रेलर एक दफा देखते हो तो शायद जहन में और कुछ रहता है, फिर दूसरी दफा देखते हो शायद और कुछ समझ में आता है, शायद तीसरी दफा देखते हो तो और कुछ समझ में आता है। जब तक आप 3-4 बार ट्रेलर नहीं देखते तब तक आपको बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ऑडियंस का जो रिस्पांस आ रहा है, कई सारे लोगों को ये पसंद आया थम्स अप दे रहे, क्रिटिक्स को भी कई सारे पसंद आया थम्स अप दे रहे। आज सुबह से जो कुछ क्रिटिक्स ने इसके प्री शोज में इसका ट्रेलर देखा था उन सभी ने थम्स अप दिया था, स्पेशली आई थिंक सभी को पसंद आया था। बहुत ही ना के बराबर लोग होंगे जिन्होंने इसको एवरेज कहा है। जी हाँ, कुछ लोगों ने एवरेज भी कहा है, आपको पता है कौन है वो लोग, राइट। क्या ट्रेलर एवरेज है या फिर फिल्म क्या एवरेज होगी, लाइफ टाइम क्या होगा, थोड़ा सा डर आपको जरूर होगा, थोड़े काफी होगा। ट्यूबलाइट गई उतनी अच्छी हिसाब से, चले 121 करोड़ पर दम तोड़ दिया। रेस थी आई जो उम्मीद थी कि 300, 350 या 400 करोड़ तक जाएगी, उसने भी दम तोड़ दिया, कुछ 180 करोड़ के नीचे ही रह गई। तो यहां पर ऑफकोर्स हल्का सा आपको टेंशन होगा, लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं वीडियो स्टार्ट होने से पहले, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, यही कहूंगा कि टेंशन जरा भी मत लीजिए भरत को लेकर। मेरी बात शायद याद होगी, मैंने आपको कहा था पहले भी जब मैंने ओडी टू माय फादर का 1 से 1.5 साल पहले रिव्यू किया था कि अगर उसके हिसाब से 10% भी फिल्म बन गई तो ये बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ेगी और बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाएगी। मैं अभी भी उसी बात पर कायम हूं, और ट्रेलर मेरे हिसाब से थम्सअप वाला है। जी हाँ, मुझे ट्रेलर पसंद आया है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं ट्रेलर के ब्रेकडाउन के बारे में, ट्रेलर कैसा है, क्या नहीं है या क्या अच्छी चीज है। स्टार्टिंग में दिखाते हैं सलमान खान जा रहे और उनका 70-75 साल का लुक है कि लोगों को देखते देख के वो लगता होगा मैं एक बुजुर्ग हूं या फिर बुढ़ा हूं, इसकी लाइफ कितनी बोरिंग हुई होगी स्टार्टिंग में। लेकिन मुझे उन्हें नहीं पता कि मेरी लाइफ कितनी रोमांचक थी या कितनी रंगीन थी। उसके बाद हमें एक के बाद मस्त कटिंग किया, एडिटिंग बहुत अच्छा है, एक के बाद एक के लुक दिखाया जाता है, 25 साल के 30 साल के 50 साल के। उसके बाद सलमान खान के अभी मतलब 70 साल के, सच कहो तो 70 साल की उम्र में सलमान खान को हमने शायद नहीं देखा होगा, ना के बराबर देखा होगा फिल्मों में, बहुत ही कूल लग रहा है, यानी कि डाई हार्ड एकदम हमको एकदम। मेरा सबसे फेवरेट लुक वही 70 वाला है उनका, सलमान भाई का, नो डाउट, बहुत हैंडसम लग रहे। तो यहां पर सीन ये होता है कि हमें सीधा दिशा पटेल नजर आती है, यानी कि डाउट था कि दिशा पटेल उनकी बहन होगी कि क्या होगी, यहां पर दिशा पटानी का एक रोमांटिक एंगल है, साफ है, क्लियर हो गया, राइट। अब यहां पर दिशा पटानी का आप सोचते हो रोमांटिक एंगल है, और उसके बाद कैटरीना कैफ कैसे, राइट, कई लोग कंफ्यूज होते होंगे, राइट, ट्रेलर देखकर काफी हद तक लोग कंफ्यूज है, उसको भी क्लियर कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स एक लाइफ उनके पार्ट में आती है दिशा पटानी, लेकिन वो दिशा पटानी का बस एक पार्ट होता है, उसके बाद दिशा पटानी शायद कन्नी काट लेती है या सलमान खान शायद कन्नी काट लेते, कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है, या फिर कुछ ही वक्त के लिए दिशा पटानी के साथ काम करते हैं, है ना, कैपेज आर्टिस्ट होंगी, शायद कहीं दूसरी जगह सर्कस लगाती होंगी, फिर दूसरी जगह जाना होगा, तो वैसा भी हो सकता है। और वहां पर हम सलमान खान की एंट्री देखते हैं, मस्त मस्त क्या बोलते हैं, वो बाइक पे से आते हैं और वो उसके बाद एक आग के गोले से वो कूदते हैं और उसके बाद रिंग बनी रहती है। उसके बाद सलमान खान को हम देखते हैं आग के कुएं में बाइक घूमती रहती, आई मीन दो गाड़ी घूमती रहती है विंटेज कार, और उसके बीच में बाइक घुसाड़ते हैं, उड़ते हैं एक एक कार के ऊपर, चलती हुई कार के ऊपर, दूसरी चलती हुई कार के ऊपर कदम रखते हैं, उसके बाद बाइक को पकड़ते हैं, वो बहुत ही डिफिकल्ट, आपको बता दूं क्या कहते हैं, उसे कोरियोग्राफ करना बहुत डिफिकल्ट रहा होगा उस तरह के एक्शन सीन्स को जो सलमान खान ने किया, और हैंडसम तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा लग रहे हैं। पेरिस हिल्टन ने भी उन्हें इंस्टाग्राम पर ट्वीट किया था कि अच्छे लग रहे उन्हें,
खासकर सलमान खान का जो 25 साल वाला लुक है। अब बात करते हैं उसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये तो स्टार्टिंग में था राइट, आई मीन उसके बाद थोड़ा सा आगे अगर हम देखते हैं तो सलमान खान ये दिखाया जाता है कि देखो पहले तो स्टार्ट जो हुआ है ट्रेलर का वो हुआ 1947 में हमारा देश आजाद हुआ राइट, उसके बाद थोड़ा सा दिखाया गया कि बच्चा कैसे बिछड़ जाता है अपने माँ बाप से है ना, उसके बाद आई मीन वो बाद में था कि लास्ट में था कि मुझे अभी उतना याद नहीं है, लेकिन बच्चा बिछड़ जाता है वो मिड में, चलो छोड़ो मैं मिड की बात थोड़ा बाद में बात करता हूँ, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आता हूँ कि हाँ जब नेहरू जी की डेथ दिखाते हैं 1960s के दौर में तब उस समय क्या होता है। वैसे भी इंडिया आपको पता है ना, वो मेरे को पता है, मैंने काफी इतिहास पढ़ा है भारत का, आपको साफ नहीं पढ़ा होगा। एक हमारा जो 1947 के बाद से हमारा जो करीबन 1970 या 80 तक का जो दौर था वो बहुत ही खस्ता हालत था, जॉब ना के बराबर थे और बहुत ही दिक्कत वाले वक्त थे है ना, अकाल पड़ा था, बहुत सारे इश्यूज थे, तो उस समय जॉब्स का सच में बहुत दिक्कत थी। और ऐसे में अरब में जैसे फिल्म में दिखाया गया कि तेल का तेल निकलता है निकल रहा है, तो सलमान खान अपने दोस्त सुनील ग्रोवर के साथ जाते हैं फॉर्म भरने, ताकि उन्हें भी अरब भेज दिया जाए काम करने, तो उस तेल के कुएं समझ में आ रहा है कि वो तेल का ही कुएं के में जाते हैं सलमान खान, और जो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कैटरीना कैफ को वो बहुत अच्छा है, और कैटरीना कैफ जिस तरह से वो हिंदी बोल रही है कमाल लग रही है, यानी कि मेरे को बहुत अच्छी लग रही जोड़ी, यानी कि ऐसा लग रहा है कि प्रियंका चोपड़ा को शायद अब तो मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूं जो शायद इस फिल्म का पहले हिस्सा थी। कैटरीना कैफ इज लुकिंग डैम सुपर क्यूट और सलमान खान के साथ उनकी जोड़ी बहुत अच्छी जम रही है, जो नोक टोक होती है सलमान और कैटरीना की बहुत अच्छी है। और उसी सीन में आप देखोगे सुनील ग्रोवर बाजू में हंसते रहते हैं मुंह बंद करके, तो वो अच्छा सीन है। उसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं प्यार हो जाता है कैटरीना के कैरेक्टर से अरब में। उसके बाद हम अगर देखेंगे थोड़ा सा पास्ट में आती फिल्म, सब कुछ सही चलता होता है राइट, यहाँ तक आधा ट्रेलर खत्म हो जाता है, लेकिन हर दिक्कतें कहीं ना कहीं आ जाती है लाइफ में। तो उसके बाद थोड़ा सा हम पास्ट में शायद जाते हैं, थोड़ा दिखाते हैं, हम ये भी देखते हैं कि बचपन से ही कैसे सलमान खान की लाइफ डिफिकल्ट वाली रही है। हाँ, जब अब बच्चे का जिक्र आता है, छोटा सा बच्चा रहता है 5-6 साल का, उसकी बहन खो जाती है। आप अगर ट्रेलर में बहुत ध्यान से देखोगे ना रुका रुका के, तो एक सीन है जहां पे बच्चा दिखाता है ऐसे पैम्पलेट पकड़े हुए और कई सारे लोग उसके पीछे खड़े होते हैं। 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान वो डिवाइड होता है, उस समय कई सारे किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई, ये सब कई सारे खो जाते हैं राइट, तो ऐसे ही बच्चा पकड़ा जाता है पैम्पलेट्स में, ऊपर अपने माँ का नाम, बाप का नाम लिखा जाता है, 36 साल उम्र है, और ऊपर से अपनी उनकी बहन जो सलमान की बहन उनका नाम लिखा जाता है जिसकी उम्र 6 साल रहती है, तो बचपन का वो सीन दिखाया जाता है। उसके बाद सलमान खान जब एक 55 साल के हो जाते तो वापस से वो बोर्ड दिखाया हुआ रहता है पकड़े हुए सलमान खान को, और उनके पिताजी ने बचपन में ये कहा रहता है कि बेटा कुछ भी हो जाए तुम्हें तुम्हारी फैमिली को पूरा संभालना है, और क्या बोलते हैं देश बनता है परिवार से और परिवार है ना अपनों से बनता है, कुछ इस तरह का बहुत अच्छा डायलॉग है। और सलमान खान को ये बहुत अच्छे से पता होता है कि उन्हें कुछ भी करके अपने फैमिली का ध्यान देना है। तो यहाँ पर सलमान खान जब वो कहीं कोयले की खान में या फिर है ना वो तेल के कुएं के कुछ खुदाई होती है वहां पे फंस जाते हैं, तो उन्हें वही जो हिम्मत होती है, वही जो जोश होता है, वही जो जज्बा होता है कि मुझे किसी भी तरह से लड़ना है दुनिया से, मेरी फैमिली के लिए हमें मुझे खाना पीना हमेशा हमेशा रखना है, पैसे देने हैं उन्हें, उन्हें अच्छे से रखना है। यहाँ पे आप देखोगे उसके बाद कुछ फोटोज वगैरह भी दिखाया जाता है सलमान खान की पूरी फैमिली के, जिसमें उनके छोटा सा भाई रहता है वो कहीं ना कहीं इंजर्ड होता हुआ दिखाई देता है, शायद वही रीजन होता है कि सलमान खान दूसरी जगह जाके काम करते हैं। फिर हम देखेंगे सलमान खान को जो नेवी वाले ड्रेस में रहते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, और सलमान खान का ओल्ड वाला लुक वो हम देखते हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं म्यूजिक जो है ना ट्रेलर वो कमाल का है, खास करके आई थिंक जब एंट्री दिखाते सलमान खान की बहुत अच्छा म्यूजिक है, उसके बाद स्लो मोशन वाला जो गाना है बहुत कमाल का लग रहा है। और सच बताओ किसी को नजर ना लग किसी की सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी पर क्या जोड़ी लग रही है, और यहां पर ये फिल्म बहुत ही कमाल होने वाली है। और मुझे हल्का हल्का आपके जैसे मुझे भी थोड़ा सा था कि कैसे है ट्रेलर सही है कि नहीं, तो कई दफा मैं ट्रेलर देखा, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ बहुत सही ट्रेलर है। पहली फिल्म का जहां तक बात की जाए, पहली फिल्म जो थी ओडे टू माय फादर की, उसको इससे हिसाब से भी अगर कंपैरिजन करें तो ये ट्रेलर बहुत बहुत बढ़िया है। और वो और इस ट्रेलर में सिर्फ यही फर्क है कि वो बहुत ही प्रैक्टिकल था, ये थोड़ा सा मसाला वाला है, यानी कि हमारी जो बॉलीवुड फिल्म है, हमारी जो मसाला वाली फिल्में होती है उस तरह की फिल्म है, तो इसीलिए आप इसको ये मत समझिए कि ओरिजिनल फिल्म से ऐसा है वैसा है, ओरिजिनल फिल्म अपनी जगह है नो डाउट, वो बेस्ट है और बेस्ट रहेगी, लेकिन हाँ हमने इसे एक अच्छी तरह से अच्छे ढंग से पेश करने की कोशिश की है और ये बेहतर फिल्म निकल कर आएगी, इतना मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। जिनको डाउट हो उन्हें मैं कह रहा हूँ कि प्लीज डाउट मत रखिए, ये फिल्म बहुत ही अच्छी कमाल करेगी,
और ओरिजिनल फिल्म का ये फिल्म है जो बेसिक कोर स्टोरी वो ली गई, इतना मुझे भी समझ में आ गया। मैं आपको ज्यादा रिवील नहीं करने वाला हूं, आपको नहीं पता या नहीं पता होगा जो भी है, आप मेरा ओडी टू माई फादर का ट्रेलर देख सकते हैं, आई मीन रिव्यू देख सकते हैं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं उसका भी अगर आपको ढूंढने में दिक्कत होगी तो। और जहां तक बात की जाए बेहतर कोशिश की गई है और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि यार हर चीज अच्छा, गाने अच्छे बोल रहे, सूर्य डायलॉग्स बहुत अच्छे, सीरियसली डायलॉग्स आर वेरी गुड और जिसने भी लिखा है बहुत बढ़िया से लिखा है। तो यहां पर सुल्तान और टाइगर जिंदा के बाद तीसरी 300 करोड़ की फिल्म पकड़ लीजिए। जी हाँ, मैं 300 करोड़ कह रहा हूं इस फिल्म को, उससे नीचे फिल्म नहीं जाएगी। अगर उससे नीचे फिल्म गई तो ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक होगा, बहुत ही बुरा होगा इस फिल्म के साथ अगर 300 करोड़ के नीचे जाती है तो। इसका कोर स्टोरी बहुत अच्छी है और मैं अली अब्बास जफर को इसलिए भी बहुत मानता हूं क्योंकि वो स्टोरी पर बहुत बारीकी से ध्यान देते हैं। और अगर टाइगर जिंदा है आप देख लो और अगर सुल्तान देख लो, इन दोनों में अगर एक चीज कॉमन रहेगी तो ये आप देखोगे कि भले ही ढाई या पौने तीन घंटों की फिल्म हो लेकिन ये फिल्म आपको कतई थोड़ा देर के लिए भी बोर नहीं करेगी। और जब फिल्म बोर नहीं करती है, फिल्म आपसे इमोशनली कनेक्ट होती है और आपको फिल्म देखकर रोना हंसना गाना सब आता है तो फिल्म ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसे सुल्तान हुई थी, टाइगर जिंदा हुई थी और मैं टाइगर जिंदा के टाइम के कहा था मैंने फिल्म देखकर के 350 से 400 करोड़ करेगी और जरूर से थोड़ा सा कम रह गई थी। थिएटर देखकर मैंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था तो यहां पर भी मैं आपको दावे से कहता हूं फिल्म 300 करोड़ के ऊपर जाएगी। लेकिन अगर आप सोचोगे कितना जाएगी, फॉर मी राइट नाउ इफ माई दिमाग इज लाइक वर्किंग और ये भी मुझे पता है कि वर्ल्ड कप उसी वक्त है, इंडिया साउथ अफ्रीका मैच भी उसी दिन है जिस दिन भारत फिल्म रिलीज होगी, तो जरूर माइंड में आप सोचोगे यार सूर्या कहां तक जाएगा। ऑफकोर्स देयर आर प्रॉब्लम, मैं शायद 350 करोड़ के ऊपर बोल देता अगर वर्ल्ड कप नहीं होता तो मैं भी जा सकती उसके ऊपर, बट आई थिंक आई विल समवेयर से कि ये फिल्म 330 करोड़ से 350 करोड़ के बीच तक का मेरा जो मानना है इतना तो करना चाहिए इस फिल्म को। ये मेरी पर्सनल राय कि इतना जाना चाहिए, 300 करोड़ के ऊपर पक्का है, 330 से 350 करोड़ इसमें प्रेडिक्शन फॉर दिस फिल्म। इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं को व्यूज चाहिए या कुछ, बट मुझे लगता है कि ये फिल्म इधर तक को रिजर्व करती है पहुंचना। अगर नहीं पहुंचेगी तो ये बहुत बुरा चीज होगा फिल्म के साथ, या इसका मतलब साफ होगा कि शायद बीच में कहीं ना कहीं फिल्म लड़खड़ा जाएगी, पेस से हट जाएगी। बट फॉर मी आई थिंक जितना मुझे पता है अली अब्बास जफर के बारे में, सलमान भाईजान के बारे में, मेकर्स के बारे में, वो पूरे अभी तक का जो चीज समझ में आया, विशाल सिंह का म्यूजिक है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक, हर चीज को देखकर एक लॉजिकल वे में कहा जाए ना, ये फिल्म तो यार डिजर्व करती है। ये फिल्म अगर 330 से 350 करोड़ मेरा प्रेडिक्शन अगर नहीं गया तो मुझे भी इसका बहुत ज्यादा दुख होगा। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है, मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोच रहे होंगे या मैं क्या, मैं नहीं, देखो मैं नहीं चाहता हूं कि 400 करोड़ बोले और फिल्म ना कमाए, है ना, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप भी है, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा कम बोला, शायद इसके ऊपर भी हो सकता है, बट यस इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, बट आई विल स्टिक टू माय लाइफ टाइम प्रेडिक्शन 330 टू 350 करोड़। मैं आपके सामने अभी जो एनालाइज करके सब चीजें बता के ये प्रेडिक्शन बता रहा हूं एंड फॉर मी दिस फिल्म इज ए गुड फिल्म एंड ये लोगों का पैसा आपका जो पैसा वसूल होगा और मैं जिस हिसाब से मैंने ओरिजिनल फिल्म भी देखी और ये फिल्म भी का ट्रेलर भी देखा उस हिसाब से कह रहा हूं ये फिल्म आपको परेशान नहीं करेगी, इस फिल्म से आप बहुत कुछ सीखेंगे। फॉर मी दिस ट्रेलर डिजर्व्स 4.5 स्टार जैसे मैंने कहा एंड यस द फिल्म विल गोइंग टू बी ए ब्लॉकबस्टर, दिस इज व्हाट आई फील फॉर द फिल्म। और बिना किसी टेंशन के आप परेशान मत होइए। और एक और चीज यहां पे बता देता हूं, बहुत कुछ रिवील अभी भी नहीं हुआ है, मे बी सेकेंड ट्रेलर आ सकता है फिल्म रिलीज से कुछ दिन पहले, बट यस द ट्रेलर इज ए गुड वन। एंड एक और चीज है, मैं 4.5 स्टार इसलिए भी दिए क्योंकि मैं और अच्छा ट्रेलर एक्सपेक्ट कर रहा हूं और बड़ा, तो मे बी 5 स्टार शायद मैं दे दूं, लेकिन फिलहाल सेकेंड ट्रेलर देखते हैं आता है कि नहीं, बट आई थिंक ज्यादा तो चांसेस है आने का, लेकिन फिलहाल ये ट्रेलर 4.5 स्टार डिजर्व करता है, नॉट मोर नॉट लेस देन दैट। एंड दिस इज ए मसाला एंटरटेनमेंट, यस बॉलीवुड में मसाला चलता है, ये मसाला फिल्म है और इसलिए 4.5 स्टार डिजर्व करती है। आपकी क्या राय है इस पूरे वीडियो को लेकर जरूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फिलहाल इतना ही।